एक अमित शाह जी बोल गए कि अडानी में ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए भाजपा का हाथ हो या हम चिंतित हो। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लीजिए, वो एक महिला को इंटरव्यू दिया है उन्होंने कह दिया। तो यही बात सदन में क्यों नहीं कह देते कि अडानी में भाजपा का हाथ है। दूसरा, आप याद करिए जब 2000 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में जब ये मुख्यमंत्री थे, दंगे हुए थे, तो एक लाइन बहुत चर्चित हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यूं बैठे थे, बगल में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी बैठे थे, भाजपा के अध्यक्ष बैठे थे, और अटल जी ने गुजरात के दौरे के बाद लोगों से मिलने के बाद कहा था, मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो। ऐसे उंगली उनकी हिलती रहती बहुत देर तक पॉइंट आउट करके, और उस समय की फोटो ले लें आप, हमारे पास वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम दे देंगे। अडानी इनकी तब ये हो गया था कि अब कल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नहीं वो भाजपा के सर्वकालीन श्रेष्ठतम नेता थे, तो उनको कहना था, बंद कमरे में भी कह सकते थे, ये उन्होंने मीडिया के सामने कहना क्यों चुना? जवाब भी दिया था उन्होंने, मोदी जी ने जवाब भी दिया था। नहीं, क्या कहा? कि राष्ट्रधर्म का ही तो पालन कर रहा हूं। ये तो आपने निर्मला सीतारमन ने जो हाउस का जरा हमको दिखाई भी, नहीं हमने भी सुना है ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये पार्लियामेंट में मेरा भी करीब करीब 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है। क्या डिमांड है? किसी को फांसी पे चढ़ाने की डिमांड नहीं है, किसी को दोषी ठहराने की डिमांड नहीं है, एक जांच की डिमांड। जेपीसी का गठन जांच के लिए ना, ये तो है नहीं कि जेपीसी जो कह देगी, और जेपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को मालूम होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब जेपीसी का गठन होता,